नमस्कार दोस्तों, और मीडिया अपडेट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर। आज हम बात करेंगे अति बला नाम की एक जड़ी बूटी के बारे में। दोस्तों, अति बला पौष्टिक गुण से भरपूर एक औषधि है। आयुर्वेद में इसे बाजीगरन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक नाम खिरैटी भी है। धातु संबंधी रोग में कारगर औषधि है। यौन दुर्बलता, धातु क्षीणता व शारीरिक दुर्बलता को दूर करने के साथ ही यह अन्य कई प्रकार की बीमारियों में कारगर औषधि के रूप में इस्तेमाल की जाती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों इसके फायदों के बारे में। यह धातु गाढ़ा करने के लिए प्रयोग की जाती है। अति बला यानी खराटी की ताज़ा जड़ का लगभग 5 से 6 ग्राम का एक टुकड़ा लें और उसे 1 कप पानी के साथ पीसकर छानकर सुबह खाली पेट पीने से शुक्रमेह बंद हो जाता है और धातु गाढ़ा होने लगती है। इसका सेवन कुछ दिन नियमित रूप से करना चाहिए। महिलाओं की एक आम समस्या श्वेत प्रदन यानी लियोकोरिया। लियोकोरिया में बला के मरीजों को बारीक पीसकर चूर्ण बना लें और इसे छानकर रख लें। 1 चम्मच चूर्ण शहद में मिलाकर सुबह शाम लेने से और ऊपर से हल्का गर्म मीठा दूध पीने से श्वेत प्रदर की समस्या से मुक्ति मिल जाती है। यह आपकी शारीरिक कमजोरी को दूर करती है। अति बला इसकी के जड़ को पीस कर एक महीन चूर्ण बना लें। 1/2 चम्मच चूर्ण हल्का गर्म व मीठा दूध के साथ सुबह शाम सेवन करने से शारीरिक कमजोरी दूर होने लगती है। भोजन में दूध चावल की खीर शामिल करने से वजन भी बढ़ता है, शरीर सुडौल होता है और सातों धातुएं पुष्ट व बलवान होती हैं तथा बल वीर्य व ओज में वृद्धि होती है। ये मूत्र अतिसार में भी काम करती है। समान मात्रा में अति बला के बीज व छाल लेकर कूट पीस कर महीन चूर्ण तैयार करें और छान कर रख लें। घी शक्कर के साथ 1 चम्मच चूर्ण सुबह शाम सेवन करने से वस्ति व मूत्र नलिका की उग्रता दूर होती है और मूत्र अतिसार बंद हो जाता है। बवासीर के रोग में यह बहुत फायदेमंद है। खूनी बवासीर में मल के साथ रक्त भी आता है और इसका मुख्य कारण खान पान की अनियमितता व कब्ज है। अति बला के पंचांग को मोटा मोटा कूट कर किसी डिब्बे में भरकर रख लें। प्रतिदिन सुबह लगभग 10 ग्राम या जौ कूट चूर्ण 1 गिलास पानी में डालकर उबालें। जब पानी चौथाई बचे तो आग से उतारकर छान लें और ठंडा हो जाने पर इसमें 1 कप दूध मिलाकर पिए। कुछ दिन के नियमित प्रयोग से मल के साथ खून आना बंद हो जाएगा। मासिक धर्म रुकने या उसकी अनियमितता को ठीक करने में अति बला काम की औषधि है। अति बला चीनी, मलट्ठी और बड़ के अंकुर, पीले फूल की कटेरी की जड़ व नाग केसर की छाल, इसको लेकर दूध में पीस लें और इसमें घी व शहद मिलाकर कम से कम 15 दिन तक पिए। इससे मासिक धर्म जो बंद हो गया वह शुरू हो जाता है। खांसी में भी बहुत उपयोगी होती है ये। खांसी के लिए समान मात्रा में अति बला, कंटकारी और अड़ूसा के पत्ते व ब्रेती व अंगूर लेकर काढ़ा बना लें। 15 से 30 मिलीलीटर काढ़े में 5 ग्राम चीनी मिलाकर दिन में 2 बार लेने से ही गिल्ली खांसी चली जाती है। 40 मिलीलीटर अति बले के जड़ का काढ़ा सुबह शाम पीने से पेशाब के साथ खून आना बंद हो जाता है। इसके नियमित इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर दिन में 3-4 बार कुल्ला करने से मसूड़ों की सूजन व ढीलापन समाप्त हो जाता है। ऋतु स्नान के बाद अति बला व नाग केसर मिलाकर पीसकर दूध के साथ सेवन करने से दीर्घजीवी संतान पैदा होती है। दोस्तों, सुबह शाम 1-1 चम्मच गोरक्षा आदि चूर्ण रात को सोते समय मिश्री मिले हल्के गर्म दूध के साथ लेने से यौन शक्ति में वृद्धि होती है, शीघ्र पतन दूर होती है। यह चूर्ण बाजार में बना बनाया भी मिल जाता है। तो दोस्तों, ये थे अति बला के फायदे। आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्थ्यवर्धक जानकारी लेकर आते रहेंगे। इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट सीधे आपको मिल सके। अब अपने दोस्त को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।